यूपी में पछुआ हवा तेजी से बह रही है, इससे लोगों को तेज धूप और हवा दोनों परेशान कर रही है। वहीं यूपी में सुबह से धूप निकली रही, दिन चढ़ने के साथ ही तापमान भी बढ़ता चला गया। मंगलवार की अपेक्षा अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। यहां तक कि प्रयागराज में तो तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ये सबसे अधिक तापमान रहा। प्रदेश में वाराणसी दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, वहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में आगरा तीसरा गर्म शहर रहा, यहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव शुरू होते ही बीमारियां पैर पसारने लगी है, ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। सुबह से ही काफी दूर दराज से मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। भीड़ भाड़ अधिक होने की वजह से लोगों को घंटों लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। 300 से अधिक मरीज प्रतिदिन अस्पताल पहुंच जाते हैं। मौसम के प्रभाव से सैकड़ों लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। वहीं आज के मौसम के बारे में बात करें तो गोरखपुर में मौसम साफ रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। देवरिया और बस्ती में भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक कानपुर में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर तेज हवा भी चलती रहेगी। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। वहीं बागपत में मौसम साफ रहेगा और दिन के समय धूप खिली रहेगी। इसी के साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आसमान में बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं।